प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जी को। उनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद ताड़ साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे गहरी पकड़ और खास नजर रखते हैं। वो है तो पाकिस्तानी मूल के, पर वो अमेरिका में रहते हैं और खास बात यह है कि आजकल वो हमारे प्यारे देश भारत में है। तो चलिए जानते हैं कि आज वो भारत के किस शहर में है और खासकर भारत के बारे में उनका एक्सपीरियंस क्या रहा और भारतीयों के बारे में वो क्या सोच रखते हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपकी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद जय भारत। जी साजिद ताड़ साहब चंडीगढ़ से, बहुत शुक्रिया सर क्या जा पाए, थैंक यू। कुछ बताइए चंडीगढ़ के बारे में। जी देखिए, चंडीगढ़ जो है एक तो वाहिद एक ऐसा शहर है जो दो स्टेटों का कैपिटल है, हरियाणा का और पंजाब का, यूनियन टेरिटोरी इसको कहा जाता है। और जो नाम ही चंडीगढ़ लिया गया है, चंडी मंदिर से आया है। यहाँ पे जब बनाया गया चंडीगढ़, इसके करीब में एक मंदिर था चंडी मंदिर, उस वहां से नाम लिया गया है। 1949 में एक अमेरिकन जो थे अल्बर्ट मायर, उन्होंने वो इसके आर्किटेक्ट थे। और लेकिन इसका जो ख्वाब था, इसको देखा गया जो वो जवाहरलाल नेहरू का, ये इसका कहा जाता है कि इसे ड्रीम उनका था, ड्रीम सिटी। बिल्कुल प्लान है, बिल्कुल। आप आरजू, मुझे लग रहा है कि जब मैं मोहाली में, इसका एयरपोर्ट है, जब मैं आया चंडीगढ़, तो उसमें बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे मैं इस्लामाबाद में घूम रहा हूँ। सिर्फ सेक्टर भी वैसे ही लिखे हैं, आपके साथ एफ सेक्टर है, जी सेक्टर है, ई सेक्टर है, इस तरह है। यहाँ पे सिर्फ सेक्टर्स के साथ जो है वो अल्फाबेट्स नहीं है। बहुत खूबसूरत शहर, बिल्कुल इस्लामाबाद की तरह लग रहा था। 50 इसके गांव जब ईस्ट पंजाब के थे, जब इसको लेके उस वक्त पंजाब इकट्ठा, हरियाणा और पंजाब इकट्ठे होते थे, उनके ऊपर ये बनाया गया। 1952 के अंदर इसकी बुनियाद रखी गई है। जो ली कॉर्बोराइजर सेंटर है वो सबसे बड़ी पुरानी बिल्डिंग है, फ्रेंच है, वो भी आर्किटेक्ट थे इसके। और इसका चंडीगढ़ का अपना एक आप कह रहे निशान है, स्लोगन है, वो उनका ओपन हाथ है बना हुआ है उनका, वो उसको जो इसकी खूबसूरती है, जो इसमें ज्यादा लोग जो पैदा हुए, मेरे लिए भी जब मैं यहाँ आके दोस्तों से पूछा, मिल्खा सिंह यहाँ पैदा हुए थे, कपिल देव यहाँ पैदा, यहाँ के शहर रहने वाले हैं। उसके बाद विनय बैंसल हैं, युवराज सिंह हैं, और सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग सेक्टर है, सेक्टर 17 है, जो बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ पे, वहां पे लोग इकट्ठे होते हैं। सेक्टर 5 और सेक्टर 8 जो है वो बहुत वीआईपी सेक्टर है, और सेक्टर 9 भी वीआईपी सेक्टर है, जहाँ प्रकाश सिंह बादल जो के चीफ मिनिस्टर थे काफी अरसा रहे, सिखों के बहुत बड़े लीडर हैं, वो वहां पे उनकी रिहायश है। खास एक अपने मैं ट्रिप के बारे में बताना चाहूंगा आरजू, आपके तो खैर यहाँ पे बहुत ज्यादा चाहने वाले हैं, मुझे भी हर जगह जो मैं दो लोगों ने इतना प्यार दिया है, मैं बहुत ज्यादा कर्जमंद होके जा रहा हूँ उनके प्यार का, मोहब्बत का। यहाँ कनाड प्लेस है, मैं वहां गया, वहां लोगों ने पहचान लिया, सेल्फियां बनाई, एयरपोर्ट पे इंदौर पे लोगों ने पहचान लिया। दो लोग जो मैं बिल्कुल नहीं उनको उनका ज्यादा मैं मकरूज हूँ, वो एक विजय कमोज हरियाणा है, हरियाणा से है, विजय कमोज उनका नाम है, जाट बरादरी से है, हरियाणा से। कल उन्होंने मुझे एयरपोर्ट पे इतना इंसिस्ट किया, जब मैं न्यू दिल्ली से यहाँ आया हूँ तो मुझे जबरदस्ती ले गए रेस्टोरेंट में, बल्कि उन्होंने मुझे वहां पे खाने में उन्होंने बड़ी खातिर की। अहमदाबाद में इस वक्त वो मारुति के लिए वहां पे काम कर रहे हैं, और मैंने उनको खास कर बताया कि मैं खुद जाट बरादरी से हूँ, और अपनी जवानी में बिलखसूस मैं गाना सुन के जवान होता था, जाटों का छोकरा, हरियाणा के बारे में, और मैं सारे बच्चों को बहुत पसंद है। उसके बाद देव देविंदर सुप्रो, मैं उनका बड़ा मकरूज हूँ, वो कश्मीरी पंडित है, कश्मीरी पंडित हैं, न्यू दिल्ली में रहते हैं, स्पेशली मुझे मिलने के लिए, वो ओबराय होटल जहां मैं ठहरा था उसके पास उनका घर है, वहां से स्पेशल मिलने मुझे आए और मेरे साथ उन्होंने टाइम गुजारा। मैं उनके लिए मेरी बहुत दुआएं हैं, मैं उनसे मिला और उनकी तकलीफें मैंने पूछने की कोशिश की कि किस तरीके से आप कश्मीर से, जो कश्मीरी पंडितों का बहुत बड़ा केस है, मुकदमा है, एक तकलीफ दे उनके, वो जो चीजें हैं वो सुनी, मैं दुआगो हूँ उनके लिए। ताजिंदर सिंह है, ताजिंदर सिंह साहे हैं, उन्होंने बड़े प्यार से मुझे बड़ी दफा दावत दी कि आप लुधियाना आए, आप पंजाब आए, मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं जाऊंगा। सुशील के सिंह है, मैं जब कनाड प्लेस वहां घूम रहा था, स्पेशल गाड़ी रोककर मुझे मिले, और वो उनकी मिसेस, मैं इन सब का, बल्कि
इन दो चार लोगों के तो नाम लिए हैं, लेकिन मैं पूरे भारत का ही कर्जा वापस लेके जाऊंगा। इतना ज्यादा, इतना प्यार और मेरी दुआओं में शामिल है हमेशा। मैं भारत को, आप पहले भी कहता हूँ कि इट्स माई सेकंड होम, मैं जब भी दुआ करता हूँ पाकिस्तान के लिए, भारत के लिए भी दुआ करता हूँ, सारी इंसानियत के लिए दुआ करता हूँ, मैं सिर्फ एक के लिए दुआ नहीं करता। तो लेकिन ये मैं बताना चाहूंगा, और आपके बिलखसूस आरजू, ये जितने लोगों का मैंने नाम लिया और ज्यादातर जो लोग मिले मुझे, वो आप ही के रेफरेंस से मुझे मिलते रहे, इंदौर के अंदर भी मिलते रहे। बल्कि मैं कल जब बैठा था, मैं मुराया आईसीटी में ठहरा था न्यू दिल्ली में वापस आके इंदौर से, तो जब मैं रेस्टोरेंट में बैठा था तो मुझे एक भाई साहब थे, उन्होंने बिलखसूस आवाज लगा के कहा कि आप जाती दफा आरजू मैडम के लिए आपने उनके लिए मिट्टी जरूर लेकर जानी है, मुझे याद कराया उन्होंने। मैं बहुत उनके लिए ओब्लाइज हूँ उनका, इतना प्यार। आज मैं यहाँ मेरी मिलूंगा एक दो दोस्तों से, पुराने दोस्तों से, उसके बाद मैं अमृतसर चला जाऊंगा, अमृतसर वहां हरमंदर साहब जाऊंगा, वहां पे एक दो दोस्तों से मिलूंगा, और कल वापस एक वेडिंग इवेंट है, कल शाम को अटेंड करूंगा और वापस चला जाऊंगा मैं अबू धाबी। लेकिन ये ट्रिप जो है, इसमें बिलखसूस मैं, क्योंकि पहले सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं था, अब मुझे एहसास हुआ है कि मेरे ख्याल में भारत एक ऐसा जगह है जहां मेरे चाहने वाले, मेरे जानने वाले सबसे ज्यादा है। मैं और मेरे लिए I'm very humble, मैं शुक्र गुजार हूँ उनका और खुदा का, भगवान का, वाहे गुरु का बड़ा प्यार, थैंकफुल। क्योंकि एक बहुत बड़ी बात होती है कि कुछ चेहरे से आपको पहचान ले, और बिलखसूस नफरत में से नहीं, प्यार से आके आपको गले लगाए, आपको एक बहुत बड़ी बात। तो मैं समझता हूँ ऊपर वाले की बहुत, मुझ पर बड़ा एहसान है इस चीज का। अब इससे आगे चलते हैं तो कल आप जिस तरह हम देख रहे थे भारत के अंदर जो चीजें चल रही हैं, बिल गेट है यहाँ पे आए हैं, और जो आने की भी वजूहत समय मैं बताना, जो जामनगर में जहाँ अंबानी फैमिली का वेडिंग हो रही है, मेरा ख्याल उसमें आए होंगे, लेकिन कल वो डॉक्टर जयशंकर साहब से मिले हैं। और उसके बाद कल मेरी नजर से ये गुजरी एक बात के थर्ड क्वार्टर के अंदर भारत की 8.4% पे ग्रोथ कर रही है, और साथ ही IMF ने जो बताया है कि दूसरे लोग बिलखसूस चाइना 4.6 पर है, US 2.1% पे है, पाकिस्तान 2% पे है, जापान 0.9% पे है, फ्रांस 1% पे, UK 0.06 और जर्मनी नेगेटिव 0% पे है। ये 2004 के अभी तक जो है थर्ड क्वार्टर का अमेजिंग। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस वक्त वाकई ही भारत जो है दुनिया की नजरों में है, जिस तरह पिछले दिनों में कुछ स्कैंडल बनाने की कोशिश की गई थी वेस्ट की तरफ से, जिस तरह वो हमारे सरदार पन्नू साहब है उसके हवाले से भी, और अब उन्होंने उनको बहुत बड़ा हीरो प्रोड्यूस कर दिया है, और दूसरा आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब और भारत जो है दे वर टिल्टिंग टुवर्ड्स रशिया एट द सेम टाइम। तो लेकिन उन्होंने जिस तरह मैंने बताया था म्यूनिख में, उन्होंने बड़ा खुल के डॉक्टर जयशंकर साहब ने इसका इजहार किया है कि रशिया को के पास ऑप्शन और चॉइसेस होने चाहिए, भारत जो हमेशा अपनी इंडिपेंडेंट और फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, क्योंकि इकॉनमी के, जब तक आपकी इकॉनमी ठीक ना हो आप इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी एक ख्वाब होती। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के हवाले से इस वक्त क्या हो रहा है, तो मुझे अफसोस के साथ ये कहूंगा कि दो दो असेंबलियां बन चुकी हैं, पंजाब असेंबली एक अंदर लगेगी एक बाहर लगेगी, इसी तरह सुना है कौमी असेंबली भी एक अंदर सेशन होगा और दूसरे कुछ लोग बाहर अपनी असेंबलियां लगाएंगे। ये हुकूमत की कमजोरी की अलामत है, ऐसे होना नहीं चाहिए, मैं इस पे अफसोस का इजहार करूंगा। इस वक्त जो कल परसों इजलास हुए पंजाब के अंदर, वहां भी जूते फेंके गए, आपने देखा जिस तरीके से वहां हुल्लड़बाजी हुई, इसी तरह नेशनल असेंबली में भी कल जो है हुल्लड़बाजी हुई, एक रिलीजियस कल्ट की तरह, जिस तरह लगता है कि वो आगे बढ़ने की तरफ नहीं पीछे जाने की तरफ उनकी तैयारियां मौजूद हैं। उसकी वजह यह है कि IMF को लेटर सुना है उन्होंने, लिख दिया है, वो प्रिंट भी बाहर इस वक्त कौम के सामने भी आ चुका है। अब इसमें ये सियासत, ये जमहूरियत नहीं है कि अगर आपके मन पसंद की हुकूमत नहीं है तो फिर भाड़ में जाए पाकिस्तान। IMF को लेटर लिखना कल, बल्कि मैं हैरान था इस बात पे आरजू के, कल किसी ने कहा था कि 9 मई के बाद ये दूसरा अटैक है पाकिस्तान के ऊपर, अगर सोचा जाए तो उसमें मुबालगा राई नहीं होगी कि इस वक्त अगर पाकिस्तान को IMF से खर्चा नहीं मिलता, आपको पैसे नहीं मिलते। दूसरा मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, मेरी नजर से, मैं पहले भी आपको शायद पता होगा
कि मैं जो शब्बर जैदी हैं पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, मैं उनकी कई बातों से एग्री करता हूं। कल मैंने, मुझे इत्तेफाक हुआ है डॉक्टर कैसर बंगाली, एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी बातें सुनने का। तो उन्होंने कल, बिलखसूस उनका रेफरेंस दूंगा, कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तो बैंकरप्ट हो चुका है। बैंकरप्सी की डेफिनेशन क्या होती है? जब आप कर्जा वापस देने की सलाहियत ना रखते हो तो आप, कहा जाता है कि आप बैंकरप्ट हो चुके। तो आप कर्जा वापस करने, कर्जों की किस्तें लेने के लिए भी कर्जा ले रहे हैं, लेकिन तो बैंकरप्सी तो ऑलमोस्ट यू आर नॉट कैपेबल, और आपका बजट जो है वो सारा आईएफ में बना रहा है। तो ये सारी चीजें बहुत वीक अलामतें हैं। इस पे आपको फैसला करना होगा कि आपने क्या करना है। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट, बल्कि मैं अब कई दफा समझता हूं कि ये 250 मिलियन लोग जो है उनको फैसला करना होगा, क्योंकि उनके रूलर जो है वो तो सारे डुअल नेशनल हैं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, बच्चे उनके सबके बाहर पढ़ रहे हैं। ये 250 मिलियन लोगों को चाहिए कि आप कोशिश करें पाकिस्तान की बुनियाद रख दें। और उसमें मैं दो चीजें कहूंगा कि कुछ चीजें भारत से सीखें, कुछ चीजें बांग्लादेश से सीखें, बल्कि कुछ चीजें अब अफगानिस्तान से भी सीख लें। अब भारत से क्या सीखना चाहिए? सबसे पहले मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, इंग्लिश और मैथ पे तवज्जो दें, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखें कहीं। उसके बाद बच्चों को कंप्यूटर की तरफ लेकर जाएं। अगली सेंचुरी में आप अगर कंप्यूटर लिटरेट नहीं है तो आप आगे अगली सेंचुरी में बिल्कुल आप एंटर नहीं हो पाएंगे, तरक्की नहीं कर पाएंगे। दूसरी मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये होगी कि जो अपनी लेबर है उसको ट्रेड देने की कोशिश करें। आप जो जो लोग भाग भाग कर जान बचा के पाकिस्तान से भाग रहे हैं, कोशिश करें उनको कोई तालीम देकर भेजें जिस तरीके से। और मैं ये कहूंगा कि भारत से कुछ सीखने की कोशिश करें। खुदा रा नफरतों को कुछ अरसे के लिए छुट्टी दे दें। कुछ हमारे मौलवी भाईजान हैं, उनको कुछ अरसे के लिए कहें 2 साल की छुट्टी दे दें, माफी दे दें, ताकि हम कुछ तरक्की कर लें। सांस लेने के काबिल होंगे तो फिर आ जाइएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और उससे दूसरी चीजें ये सीखें, कोशिश करें कुछ चाय वाला ढूंढ लें जो नेशनलिस्ट हो, जो फखर से कहता हो कि मैं पाकिस्तानी हूं, मैं पाकिस्तान को बचाऊंगा। कोशिश ये करें, है तो मुश्किल बात है, क्योंकि मैंने खुद इमरान खान साहब को चाय वाला ही समझ के, मैं खुद उनका बहुत बड़ा फैन था। उन्होंने वादा किया था कि 200 लोगों की टीम है मेरे पास, मैं पाकिस्तान में आके दूध की नहरें चला दूंगा। आते ही मौसूफ ने, आते ही प्राइम मिनिस्टर हाउस की भैंसें बेच दी, आते ही मौसूफ ने गाड़ियां बेच दी, और फिर हेलीकॉप्टर पे ऐसे चढ़े कि वापस नहीं उतर सके। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस बंदे के वो 3.5 साल गीत गाते रहे, उस्मान बुज़दार साहब, वसीम अकरम प्लस थे, अगले दिन गवर्नमेंट ने जब उनका डाटा शेयर किया है तो उन्होंने पिछले जितने भी चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, हेलीकॉप्टर पे राइड करने के उन्होंने रिकॉर्ड तोड़े हैं। ये रियासत मदीना के ठेकेदारों की बात कर रहा हूँ जो रियासत। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह आरजू काजमी जी और साजिद ताड़ा साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, और खासकर हमारे प्यारे देश भारत के बारे में इनके पॉजिटिव एनालिसिस जान के आपको बहुत कुछ अच्छा लगा होगा। जहाँ पे आपने देखा साजिद ताड़ा साहब आज हमारे देश के शहर चंडीगढ़ में है, जहाँ पे उन्होंने चंडीगढ़ की खूब तारीफ की और खासकर भारतीयों के बारे में और भारत के बारे में अपना एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर किया। और जैसे कि आपने देखा साजिद ताड़ा साहब ने ये कहा कि पाकिस्तान को भारत से सीखने की जरूरत है, और भारत में उनको इतना प्यार मिला कि वो भारत का कर्जा नहीं उतार पाएंगे। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी लेटेस्ट स्पेशल और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।